खाना लेके आए हैं मेरे लिए सूरत में। भाई इस ट्रेन में एक प्रॉब्लम हो गया है, अभी बीच में मिडल सीट डाल दी है, ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल डिस्टेंस टू एक्सप्लोर। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज की मेरी ये जर्नी होने वाली है, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ मुंबई से दिल्ली की ओर 12909 गरीब रथ एक्सप्रेस थर्ड एसी क्लास में। इस जर्नी में मैं आपको गरीब रथ ट्रेन का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए करते इस वीडियो को शुरू। सामने बांद्रा टर्मिनस का टिकट काउंटर है और यहाँ से हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। सामने हमारा ट्रेन लगा हुआ है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। भाई दुरंतो टाइप का डब्बा मिला है हमको, G13 डब्बा नंबर है मेरा। ये सीट है मेरा 25 नंबर। भाई इस ट्रेन में एक प्रॉब्लम हो गया है, अभी मेरे को साइड लोअर मिला तो है, लेकिन ये देखो ये बीच में मिडल सीट डाल दी है, मतलब इसमें 3 सीट बनेंगी, साइड में भी 3 सीट। भाई सीट देख लिया आप लोगों ने, साइड लोअर मिला तो है, लेकिन ये बीच में मिडल वाला भी आ गया यहाँ पे, तो रात को सोने में भाई बहुत तकलीफ होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि में तकलीफ है, सोने में भी तो तकलीफ होएगा ना, तो बराबर मुंह के सामने आ जाएगा सीट वो तो होएगा ना। हाँ देखते हैं, एक बार सीट खुलेगा तो मैं आपको इसका भी दर्शन करा दूंगा। अभी करा दे क्या? अभी यहाँ कर दो। अरे झूठे, देखो ये भाई अभी सीट खुलने वाले। ये देखो अपर मीडियम और लोअर, ये तकलीफ है भाई गरीब रथ में। चलो इसको फोल्ड कर देते हैं। अब मैं आपको इस ट्रेन का इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये सामने एसी का वेंट है, स्विचेस है चार्जिंग करने के लिए है, और अपर मीडियम और लोअर बर्थ है। ये सामने विंडो है, इस पे पर्दा लगा हुआ है, बाकी मिरर है, ये सामान रखने के लिए यहाँ पे जगह दिया हुआ है, बाकी साइड में भी ऐसा ही है। एसी वेंट है, चार्जिंग स्विच है, बटन है फैन का, और नीचे लगेज रखने के लिए जगह है, और ऊपर भी काफ़ी कम जगह है। अब जैसे इसमें साइड मिडल दिया हुआ है तो सीट को थोड़ा ऊपर कर दिया है, तो ऊपर भी बैठने के लिए तकलीफ ही होगा इसमें, और बाकी साफ़ सफाई तो बढ़िया है ट्रेन में। अब मैं आपको इस ट्रेन का टाइम टेबल बता देता हूँ। ये ट्रेन बांद्रा से 5:30 पर निकलती है, और नेक्स्ट डे हज़रत निज़ामुद्दीन ये ट्रेन पहुँचाएगी 10:15 पर। हम लगभग 16 घंटे 45 मिनट में 1370 किलोमीटर की जर्नी हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब मैं आपको इस ट्रेन का फेयर चार्ट बता देता हूँ। अगर आप चेयर वाला बुक करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 940 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी बुक करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 1090। और इसमें 4 कोचेस चेयर वाले हैं और इसमें 12 से 13 कोचेस थर्ड एसी के हैं। एग्जैक्ट 5:30 पे हमारी ट्रेन बांद्रा से निकल चुकी है। Thank you.
ये जर्नी के लिए मैं काफ़ी टाइम से बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी ये जर्नी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, दिल्ली से और आगे कनेक्ट होने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रहेगा, तो वीडियो में बने रहिएगा और इस सीरीज को देखते रहिएगा पूरा। ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अभी बोरीवली में। यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से भी काफ़ी लोग चढ़े हैं, एक्चुअली बांद्रा से ट्रेन खाली था पूरा और मैक्सिमम पब्लिक तो यहाँ से चढ़े हैं अभी। दो मिनट के हॉल्ट के साथ गाड़ी हमारी निकल चुकी है बोरीवली से। बोरीवली के बाद इसका हॉल्ट डायरेक्ट सूरत है। बीच में ये ट्रेन कहीं भी नहीं रुकेगा, डायरेक्ट नॉन स्टॉप सूरत तक ये ट्रेन जाएगा और बीच बीच में आपको बाहर का मैं व्यू दिखाता रहूँगा। जर्नी को एंजॉय करते रहिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। स्पॉटिंग के लिए रुका हूँ मैं अभी, अभी अंधेरा होने के पहले अगर ट्रेन आ जाए तो अच्छी बात है। देखते हैं और 10 मिनट लगेगा ट्रेन आने के लिए। वंदे भारत का स्पॉटिंग तो बनता है भाई, अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच चलने वाली ट्रेन।
ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सूरत, और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है। सूरत पड़ता है गुजरात में और इसको सिटी ऑफ डायमंड भी कहा जाता है। ये भाई हमको मिलने के लिए आए हैं, मेरे लिए खाना लेके आए, खाना लेके आए हैं मेरे लिए सूरत में। थैंक यू भाई, मेरा भाई आशीष। आप भी आए हो? देखो मामा भी आए हैं साथ में। आए बोलो। 5 मिनट के होल्ड के बाद सूरत से निकल चुका है। अब इसका नेक्स्ट होल्ड है वडोदरा। अभी बाहर का दिखाने ऐसा तो कुछ सही नहीं, पूरा अंधेरा हो चुका है। तो एक बार वडोदरा आता है तो आपको उसका अराइवल दिखाता हूँ। लगभग 380 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है वडोदरा। यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है। और एक चीज़ तो मानना पड़ेगा भाई, ट्रेन 1 मिनट भी डिले नहीं है, ऑन टाइम हर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन पहुंच रही है। 10 मिनट के हॉल्ट के साथ ट्रेन जो है हमारी निकल चुकी है वडोदरा से। एक चीज़ मानना पड़ेगा इस ट्रेन का, ये ट्रेन सेम राजधानी ट्रेन के जैसा है, ऑन टाइम अराइवल ऑन टाइम डिपार्चर, ज़रा भी लेट नहीं है ट्रेन कहीं पे। और जो स्पीड है ना भाई, लाजवाब स्पीड है ट्रेन का। अभी रात के बज चुके हैं लगभग 10:45, अभी रात के 1:50 पे आएगा रतलाम और 4:30 बजे के करीब आएगा कोटा, और सुबह 8:18 पे आएगा मथुरा। तो मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, रात का तो मैं अभी शूट नहीं कर पाऊँगा, डायरेक्ट आपको मिलूंगा सुबह, जहाँ भी आग मिले जहाँ भी उठ जाऊँ आपको मिलूंगा तभी। चलिए बाय, गुड नाइट, मिलता है आपको कल सुबह। मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। रात को मैं सो गया था, बहुत थक गया था, मैं अभी जस्ट उठ के फ्रेश हुआ हूँ। नाश्ता वगैरह अभी तक किया नहीं है, नाश्ता देखते हैं अभी क्या मिलेगा ट्रेन में। ब्रेड ऑमलेट वगैरह तो है, कटलेट्स वगैरह भी है, देखते हैं क्या मिलता है। तब तक आप लोग बाहर का नज़ारा इंजॉय करिए। ऑलमोस्ट 1230 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मथुरा। ये स्टेशन पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और मथुरा आए तो यहाँ का आगरा का पेठा तो बनता है भाई, तो यहाँ से आप पेठा जरूर लीजिएगा। इस ट्रेन का यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, और सुबह से नाश्ता कुछ किया नहीं, देखते हैं कुछ नाश्ता मिलता है क्या यहाँ पे। 5 मिनट के हॉल्ट के साथ मथुरा से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। आगरा जाने के लिए हमको यहाँ पे मथुरा उतरना पड़ता है, मथुरा से ट्रेन चेंज होता है आगरा जाने के लिए, और कृष्णा नगरी गोकुल जाना है आपको, तो उसके लिए आपको मथुरा में ही उतरना पड़ेगा। यहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट का रास्ता है गोकुल जाने के लिए। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप हमारा डायरेक्ट हज़रत निज़ामुद्दीन है, जो आएगा 10:15 पर।
ऑन टाइम ट्रेन हमारी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे पहुंच रही है। जर्नी बड़ा ही अच्छा था, बस खाली ये है कि थोड़ा वीडियोग्राफी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि भीड़ बहुत था ट्रेन में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।